लेख भी कहता है ये कहता है पूरी कलाओं के साथ चंद्रमा होता है, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने इस दिन पूर्णमासी के दिन पीक पे होती है, मानव की ऊर्जा भी पीक पे होती है, समुद्र में जवार भाटा भी इसी दिन आता है। सबसे ज्यादा अगर परमात्मा के अध्यात्म को परमात्मा को प्राप्त हो स्थिति का विशेष पूर्णमासी के सत्संग का विशेष विशेष पर जो सत्संग जिसको समझ आता है जो समझता है स्थिति का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए स्थिति को रखी है। और जिस गांव का सरपंच इतना बढ़िया संस्कृति प्रेमी हो और वहाँ वहाँ स्वाभाविक संस्थाएं का विस्तार करते हैं जिस गांव का सरपंच गाँव का सरपंच। और मैं एक बात बोलता हूँ सटीक है सीधी है, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, संगीत में परमात्मा बसता है और जिसके हृदय में संगीत बसता है वहाँ द्वेष नहीं रह सकता, किसी में द्वेष रहता है संगीत से उसका मेल नहीं है, परमात्मा और द्वेष इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर किसी के हृदय में संगीत रहता है तो उसके हृदय में परमात्मा रहता है, जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ द्वेष नहीं रह सकता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की, सत्य क्या है वो परमात्मा जानता है, ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार दिए उन्हीं को आधार मान के सत्संग उसी के कोशिश यही रहती है कि सनातन का प्रचार करें, ऋषि मुनियों का प्रचार करें और सभ्य हमारा समाज हो, जो पुरखों के जो नियम है रीति रिवाज है जो रहन सहन है आज के परिवेश से मिलान करके आज मेरा समाज कैसे सभ्य और बढ़िया सभ्य और बढ़िया। जैसा भी जानते हैं वो आपके बीच में सुनाते रहते हैं सारे साथियों ने बढ़िया साथियों ने बढ़िया साथियों और कहते हैं बोला जिसको सत्संग जागृत होता है उसने फिर उसका रस हो जाता है उसके सब कैम ऐसे जल गएगा उसके खान पान में भी सात्विकता मिलेगी प्रदर्शित होगा, उठने पहरने में भी खाने पीने में भी हाव भाव में भी बोल चाल में भी व्यवहार में भी सत्संग रहेगा। आज कलयुग क्यों है, क्योंकि हमारे व्यवहार में स्वार्थ आ गया सत्संग आ गया, आज हमारे व्यवहार में सत्संग आ गया फिर सत्युग आ गया। जन्यू तो कह देनी भाई सूरज लग गया तो फर्क आ गया, समय में सूरज लगने फर्क आ गया तो हमारे व्यवहार में स्वार्थ ने अपना स्वार्थ बना लिया हमारे व्यवहार में गया जिसको जाग गया है। एक भजन है जैसे जी उसका सत्संग लाग रहा सत्संग उसका जाग रहा और वो मेले में पहुंच गया कारीगर गाड़ी है जी 83-57 उस नाटा हो जी एक बार जरूर 83-57 जिस सजनी गाड़ी है वो हटा ले और मैं एक बात फिर बता देता हूँ आपकी अपनी वैसे मर्जी तो खुद की है किसी से लड़ाई तो होती नहीं है, ये सत्संग पारिवारिक है शराब से खुद नहीं बेरा जो भी रहे बिल्कुल ना है नहीं तो नुकसान होएगा उसको फायदा नहीं होएगा मेरी गारंटी है निश्चित ही। अगर कोई शराब पी के यहाँ आता है उसको फायदा नहीं होएगा उसको नुकसान होएगा फायदा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ केवल रंग लेने कोई ना यहाँ आओ संगत की जरूरत भीड़ की जरूरत मांगनी है संगत हो चाहे 50 की हो चाहे 500 की हो चाहे 5000 की हो चाहे 2 की हो चाहे 2 भीड़ की जो संगत हो उसी रस का हो उसी रस देव वो मेले में चला गया भीड़ लाग रही कारीगर का चुगर ने बोला रे के बना रे क्या की भीड़ है, वो कारीगर ने बोला जी मैं तो नाम लिखता हूँ चित्र बनाता हूँ देखा होगा कोम नाम लिखवा ली साड़े ही कोई अड़ कब्जे बन मान छपवा लिए गद पहलवान अड़ छपवा लिए कोई अपना नाम लिखवा लिए है को घना बे उदा हो तो बहू का भी लिखवा लिए है क्या तो अपनी अपनी चवाइस हो मानस की वो भी लिखवा लिए है चित्र बना करो नाम लिखे करो निबला भाई मेरे मांड देगा बोला मांड दूंगा निबला जड़े कहूंगा उड़े मांड देगा निबला उड़े मांड दूंगा और जो कहूंगा ओए मांड देगा बोला ओए मांड दूंगा निबला मांड बोला बोले हेरे सुने हेलो क्षण ने ले पा
तप जो खेण वाणा ओ चाहू बात गात बजो खणवाना जाऊं हां निबला भाई बोल मन भी कलम पेनाली है बोल के मांडू निबला शर्त शुरू हो जा जिसका रस उतरा हुआ है उसको परमात्मा के अलावा कुछ भाता नहीं है निबला शर्त शुरू हो जा के बनाऊं ओ ये श्री राम ओ श्री राम खण मेरे शीश पे श्री राम माथे ऊपर पातर मोर शेषनाग शल्ली कदोरे नैनो के मां नरसिंह भोर नाक मेरे पनार दक्षिण दे कामनगर कानो की ओर नाक मेरे पनार दक्षिण दे कामनगर कानो की ओर अरे ओम सबत होठों पे खिण दे करण हार करता का फूल रसना पे रमापत खिण दे ठोडी पे ठाकुर की धूल गेटी पे गज ग्रह बना देवो गरुड़ सवारी लेता झूल गेटी पे गज ग्रह बना दे गरुड़ सवारी लेता झूल रे मेरे मुह के खेण देता तका तका नक्शा तारे बताऊ सुने खड़े गणेश खण दे सीने पे शिव जी महाराज दूती पे दुर्वासा खण दे तेरी परीक्षा कर लू आज काल जे पकर सन खण दे करके ने पूरा अंदाज काल जे पकर सन खण दे करके ने पूरा अंदाज ए पसली ऊपर ऋषि परासुर परशुराम जी खण दे खास कमर मेरी पकर दम खण दे नाभी रंग की दे दे चास एक कंधे पर कमल खण दे विष्णु जी बैठे हो पास एक कंधे पर कमल खण दे विष्णु जी बैठे हो पास रे या गुणियों की पनचा मैं के लेक कलम ओ चलाऊ सुने खड़ने la 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 la
कंधे पे कंस कृष्ण का, दूजे कंधे पे कंस कृष्ण का, महागोर खेण दे संगरा, ओम पूर भूवे सुवे कोणी पे कुबचा का दाम, पहुंचे ऊपर परम पिता मेरे पन में सरकार लख दे राव, पहुंचे ऊपर परम पिता पन में सरकार लख दे नाम। अरे हथेली पे हनुमान, उंगली पे मीराबाई, नाखूनों पे नारायण खिने, रंग बिरंगी परदेशाही, गुठे ऊपर बृहस्पति खिने, दन दन हो जा कला सवार, गुठे ऊपर बृहस्पति दन दन हो जा कला सवार। मेरी ज्यादा नहीं किस किस के नाम जनाऊं, हो सुन चढ़ने वाले बात में कमले कमले ब्रह्म चौ का फोटू तार, बेटा वर दे मेरे पेट का, सब रंग का दे संसार, सांगो में जंग राक्षसों का नरसिंह डाल कर संगो, जांगो में जंग राक्षसों का नरसिंह डाल कर संगार, एक गोड्डे ऊपर गिर वरदारी और खिण दे चंडारा दाम, तखण्या ऊपर टेक भजन की और खिण दे पद नारा गाम, चरणों में चरणों का सेवक रामेश्वर का लख दे राम, चरणों में चरणों का सेवक रामेश्वर का लख दे राम। रे मेरी गोटे पेरा मन जात, मैं उसे ईश्वर का गुण गाऊं, ओ